बहुत हो गया, यकतरफा फैसलों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। अदलिया भी धौंस धमकी में आई तो फैसला नहीं मानेंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने खबरदार कर दिया, कहती है एक ही बेंच के मखसूस फैसले किसी सूरत मंजूर नहीं। सियासी इंतजार 17 मई के अदालती फैसले से शुरू होता है। बजरिया अदालती फैसला आइन की मनमानी तशरीह की गई, मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म दिया। आज नई तशरीह की जा रही है ताकि लाडले को फायदा पहुंचे। हुक्मरान इत्तेहाद ने वज़ीर आला के मामले पर फुल कोर्ट का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका ऐलामिया में कहा कि ये बहुत अहम कौमी सियासी और आइनी मामलात हैं, आइन जमहूरियत और अवाम के हक के हुक्मरानी पर समझौता नहीं किया जा सकता। इमरान खान के इंतशार का मकसद एहतसाब से बचना, अपनी करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इक्तदार हासिल करना है। इत्तेहादी जमातें फुस्तायत का डट कर मुकाबला करेंगी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने डेप्टी स्पीकर के वकील और पंजाब हुकूमत से वजीर आला के इंतखाब पर जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को ट्रस्टी वजीर आला का स्टेटस दे दिया। हमजा शहबाज पीर तक रस्मी इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे, मेरिट से हटकर तकरारी कलदम करार दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट वजीर आला के उमूर की निगरान होगी। आइंदा समाअत 25 जुलाई को इस्लामाबाद में होगी। बज़ाहिर हमजा शहबाज का ओहदा गहरे खतरे में है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग अदालती फैसले के खिलाफ लगती है। दोस्त मजारी ने किस हुक्म की आड़ करके रूलिंग दी? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दोस्त मजारी के वकील इरफान कादर ने कहा कि स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को दुरुस्त समझा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि अदालत इस मौजू पर 17 मई को फैसला दे चुकी है। हम वो खत देखना चाहते हैं जो पार्टी सरबरा की जानिब से भेजा गया। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। हमें बताएं आपने किस तरह 10 वोट निकाले हैं। इदारे अपनी हदूद में रहें, कौमी उमूर में नर्म या सख्त मुदाखलत कबूल नहीं। किसी से ब्लैकमेल होंगे ना ही दबाव में आएंगे। तमाम फैसले आइन के मुताबिक पार्लियामेंट में होंगे। मौलाना फजल रहमान का दो टोक ऐलान, कहते हैं जब से इतिहादी हुकूमत आई पार्लिमानी और इंतजामी उमूर में मुदाखलत शुरू हो गई। हुकूमत को कहा जाता है कि हिदायत पर चलना है वरना बहरान पैदा कर देंगे। परवेज इलाही को वोट क्यों नहीं दिया? चौधरी शुजात हुसैन का एक बार फिर भरपूर मौकिफ सामने आ गया। कहा परवेज इलाही वजारत आला के उम्मीदवार थे, हैं और रहेंगे। इमरान खान के उम्मीदवार को वोट नहीं दे सकता। इदारों के खिलाफ शर्मनाक जबान की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसी बात सुने तो मौके पर मुंह तोड़ जवाब दें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का पीडीएम के आला क़यादत से राबता। आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ को टेलीफोन। मरियम नवाज और हमजा शहबाज से भी गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ की शाहिद खाका नवासी और इसहाक डार से भी मुशावरत। इमरान खान अदालतों को गालियां भी दे, अदालतों को बुरा भला भी कहे और इसके बाद वो अदालतों को अपने सियासी तनाज़ात में दावत भी दे और उनको मुलव्वस भी करने की कोशिश करे, वो 7 साल से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन से ममनुआ फंडिंग के केसेस में किसी किस्म की गिरफ्त से आज़ाद भी फिरे, आखिर कौम जानना चाहती है कि वो कौन सी सुलेमानी टोपी है कि जो इमरान न्याजी को कानून से बालातर रखती है। इमरान खान किसका लाडला है? इमरान खान से ने कौन सी सुलेमानी टोपी पहन रखी है? इस शख्स ने अदालती फैसलों को पैरों तले रोंदा। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं होती? वफाकी वजीर अहसन इकबाल का सवाल। तलाल चौधरी कहते हैं इमरान खान का मुकाबला अब नई नून लीग से होगा, अब थप्पड़ के बदले मुक्का मारा जाएगा। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम भी वही रवैया अख्तियार करें जो इमरान खान कर रहा है।
वही लहजा अख्तियार करें जो इमरान खान कर रहा है। हम मजबूर हो गए हैं कि एक नई मुस्लिम लीग की तरह सामने आए। कल जो डिप्टी स्पीकर ने किया, जिस तरीके से आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, उसके बाद मुल्क में आइनी और सियासी तौर के ऊपर एक ऐसा माहौल है जैसे जंग के बाद एक हाल होता है, क्योंकि आपने आइन को मिलियामेट कर दिया है। खुद लोटा है जो डिप्टी स्पीकर, और इसको भी हम नोटिस दे रहे हैं आर्टिकल 63A का, जो 10 वोट इन्होंने एक्सक्लूड किए हैं उनको शामिल करके चौधरी परवेज अलाई को, जो पंजाब के इस वक्त कानूनी तौर के ऊपर वज़ीरे आला मुंतखब हो चुके हैं। ताकतवर कुव्वतें पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ ना करें, अदालत से इंसाफ ना मिला तो आवाम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की धमकी, कहा डिप्टी स्पीकर ने अखलाकियात का जनाजा निकाल कर आइन को मिलियामेट कर दिया, चौधरी शुजात से कागज पर अंगूठा लगवाया गया। ये समझते हैं कि जिन जज साहबान ने इस पर पहले फैसले दिए हैं उनका एक ऑलरेडी मेड अप माइंड है, बड़े अदब से इस्तदा करते हैं कि इस अहम आईनी मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछले 4 माह से पंजाब में एक आईनी बहरान बरपा किया हुआ है, क्या उनसे ये सवाल नहीं होना चाहिए कि वो आज किस मुंह से कोर्ट गए हैं? अता तारका डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर फुल बेंच बनाने का मुतालबा, कहते हैं ये आईनी और कानूनी मसला है, तशरीह जरूरी है। आईनी बहरान पैदा करने वाले किस मुंह से अदालत गए? सेनेट में मुस्तरद वोटों से गिलानी भी हारे थे। गिलानी के मामले पर प्रिजाइडिंग अफसर ने रूलिंग दी थी, क्या सेनेट के मामले को भी सुना जाएगा? ये तो हो नहीं सकता कि अगर इमरान खान के खत के ऊपर आप डिस्क्वालीफाई कर दो पीटीआई का अरकान को, और चौधरी शुजात हुसैन साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं उसके लेटर के ऊपर आप चैलेंज कर लो कोर्ट में। इस मुल्क में दो कानून कब तक चलते रहेंगे? इस मुल्क में ये दौरा मयार कब तक चलता रहेगा? कब तक ये प्रैक्टिस चलती रहेगी कि एक पार्टी के लिए एक कानून और दूसरी पार्टी के लिए दूसरा कानून? इस मुल्क में बहुत सारी इस तरह की मिसालें हैं। मुल्क में दोहरा मयार कब तक चलता रहेगा? ये नहीं हो सकता पीटीआई के लिए अलग और दूसरों के लिए अलग कानून हो। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन फट पड़े, बोले इमरान खान मुल्क में इंतशार फैला रहा है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का फैसला वाजे है, अदालत ने खत की बुनियाद पर 20 अरकान को डी सीट किया। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कल का इंतखाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऐन मुताबिक था, इलेक्शन को किस बुनियाद पर चैलेंज किया जा रहा है, उम्मीद है इस मामले को मजीद उलझने से पहले अदालत फुल बेंच तश्कील देगी। हर बार आइन की मुख्तलिफ तशरीह नहीं की जा सकती, शिकस्त के बाद इमरान खान ने अपने ही मौकिफ से यू टर्न ले लिया है। तेज बारिश की पेशगोई, हैदराबाद में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, कराची में कल मूसलाधार बारिश का इम्कान, आज लाहौर रावलपिंडी गुजरावाला और गुजरात में बादल जमकर बरसे, राजनपुर के इलाके में दोबारा सैलाब आ गया, शेखपुरा में बारिश के बाद गली मोहल्ले और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे, जिले इंतजामिया गफलत की नींद सो रही है। लाहौर की अदालत ने दुआ जहरा को कराची मुंतकिल करने की इजाजत दे दी, पुलिस टीम दुआ जहरा को दारुल अमान से कराची लेकर जाएगी, 25 जुलाई को सिंध हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा, दौरान कस्टडी दुआ को वालदैन से मिलने की इजाजत नहीं होगी।